गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव कैसा गुरु साक्षात्कार प्रथम दशमा इसी गुरु इतना मैंने तुम्हें सुबह इस बारे में आपको समझाया था कि अघोर दीक्षा या अघोर फल यह शरीर को अघोर क्यों कहा गया। घोर का अर्थ होता है हमें बिना आलोचना के या बिना विचार के हमें घटित होने वाली घटना को और जिससे हमें नुकसान हो उसे घोर कहा गया। अब घोर का अर्थ यह है कि नुकसान मालूम होने पर भी उसे स्वीकार करना उसे ले लेना उसे अघोर कहा गया। बुराइयों को जो समान और यह कार्य केवल केवल और केवल भगवान शिव जी ने ही यह कार्य किया है। चाहे शमशान हो चाहे शव हो चाहे मुंडमाला हो चाहे जलरे हुए भस्म हो इसको धारण करने की प्रक्रिया केवल शिव ही अपने पास रखते हैं कि वह अघोर के लाए। समाज इसे ठुकरा देता है, समाज से कहता है तू कुछ बेकार है काम का नहीं है, तुझे स्वीकार करने की प्रक्रिया केवल शिव से अपने के लिए अघोर का अघोर दे रहा है और इसे अघोर व्यक्ति को स्वीकार करता है। अघोर का कोई गलत नहीं है, अघोर की साधना कोई गलत नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं जिसने अघोर साधना बिना किए ही वो देवता कहलाए। हम मैंने सुबह जैसा आपको उदाहरण दिया था कि अघोर किसे कहते हैं, अघोर उसे कहते हैं जो इस संसार की बुराइयों को अपना लेकर उसे अच्छाई में परिवर्तित करे, चाहे वो किसी प्रकार की बुराई हो चाहे विष हो विष को अमृत में बदल दे, दुखों को सुखों में बदल दे, इस प्रक्रिया को अघोर प्रक्रिया कहा गया है और यह प्रक्रिया केवल शिव जी कर सकते हैं और इसके दीक्षित सारे से कर सकते हैं। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है और आज यह प्रदोष का समय है। इस प्रदोष समय में शिवजी की आराधना श्रेष्ठ कहलाई गई है। पहले मैं सभी को गुरु दीक्षा देता हूं, जो लोग दीक्षा लिए हैं नहीं लिए हैं और जिन्होंने मंत्र लिया है न लिया है वो सभी लोग भी पहले गुरु मंत्र से दीक्षित हो जाए। सभी लोगों का कहना है कि दो शब्द तेलुगु में भी बताए जाए अघोरी लगाने मन लोगों का चेड़ुभाव लेकर पड़ते जय काफी घोर को लगा प्रमाद इसलिए बोलता वक्त प्रमाणा नहीं एक तो एक भ्रष्ट यानी घोर बनना अघोर हटे प्रमाणा की कोई चेस्ट नहीं वाड़ चेड़ वर्तमान स्वीकार की दाने मच्छी का मच्छे वाड़ अघोर आ अघोर ये डॉक्टर शुरू ఎవరైతే ప్రణాళిక నిర్ధిస్తారో వైధర్మాన్ని నిర్ధిస్తారో అందరూ వదిలేసి కాల్చిపారేసిన భస్మాన్ని శరీరాన్ని ధారణ చేస్తారో అందరూ వదిలేసిన విషాన్ని హలాహ విషాన్ని వదిలేసి పారిపోయిన కూడా విషాన్ని స్వీకరించేవాడు తన శరీరంపై భస్మాన్ని పుట్టుకునేవాడు తన చేతిలో భిక్షపాత్ర పెట్టుకునేవాడు రుణించుకునేవాడి ప్రత్యేకంగా మన ఇంట్లో కాదు ఎలాంటి చెడు వాతావరణం ఉన్నా అఘోర వ్యక్తులైన వాడు చెడును వదిలేసి మంచిని స్వీకరిస్తాడు ఆ చెడు పోయి మంచి వస్తుంది ఎంత చట్టపరమైన చెప్పేది ఏ విధంగా పనిచేయండి శ్మశానం కానివ్వండి భూత ప్రేత గణాలు కానివ్వండి దృష్టి కానివ్వండి ఈ అఘోర సాధన చేసిన వాడి పని ఇలాంటి పని చేయండి కనుక ఈ అఘోర దీక్షను ఇంట్లో మనం ఎప్పుడైతే దుర్భాగ్యమైన వ్యవహారం వెంటాడుతుందో సుఖాలు వెళ్ళబడి రావు అప్పుడు ఈ అఘోర దీక్షలు లేనివాడు సుఖాలు కారణపడతాడు దుఃఖంలోనే సుఖాన్ని వెలిగి సుఖాన్ని పట్టుకుంటాడు అతని వద్ద దుఃఖం ఏం పనిచేయి సుఖం ఆ వాట దగ్గరే అతని దగ్గరికి వస్తుంది దీన్ని అఘోర ప్రక్రియ అన్నారు ఈ అఘోర ప్రక్రియను తెలిసి పని చేసుకోవడం తెలిసి ప్రమాదాన్ని కానీ దుఃఖాన్ని పనిచేసి దాంట్లో ఆనందాన్ని అనుభవించే ప్రక్రియను అఘోర ప్రక్రియగా చెప్పబడింది కనుక ఈ అఘోర దీక్ష సంస్కారంలో జీవితంలో చాలా మంది సద్గురు చాలా తక్కువ మంది సద్గురు మాత్రమే ఇచ్చినారు ఈ రోజు గురుజీ పుట్టినరోజు పర్వంగా భావిస్తూ కృష్ణ చతుర్దశి అయిన శివరాత్రి ఈ రోజున ఈ ప్రదర్శన కాలంలో కూడా ఈ దీక్ష ఇవ్వడం చాలా గొప్పగా చెప్పబడింది ఎవరైతే ఈ అఘోరలో దీక్షను స్వీకరిస్తారో వారు ఆ జీవితంలో ఎలాంటి సందర్భాలకు గురి కాదు ఎలాంటి దుఃఖాన్ని గురి కాదు ఎలాంటి చెడును చెడుకు గురి కాదు చెడు వచ్చిన వాడిని సరిగ్గా స్వీకరించి మంచినే ప్రార్థన చేస్తారు దీన్ని అఘోర దీక్ష అన్నారు కనుక ఈ అఘోర దీక్ష ఇచ్చేవాళ్ళు సామూహికంగా అందరికీ ఇప్పుడు మొట్టమొదటి గురు దీక్ష ఇస్తున్నాను గురు యొక్క దీక్షను స్వీకరించిన తర్వాత ఈ అఘోర దీక్ష ఏ విధంగా ఆచరించాలి ఏ విధంగా చేయాలని చెప్తాను మొదలు అందరూ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇంతకుముందు తీసుకున్న వాళ్ళు కానివ్వండి ఇప్పుడు తీసుకునే వాళ్ళు కానివ్వండి గురు దీక్ష తీసుకోవాలి సభ్యులు
गुरुमत की दीक्षा लेने के लिए उचित हो हाथ जोड़े जय गुरु नमस्कार जय गुरु का मंत्र को जोड़ना मेरे साथ कहो स्वामी स्वामी श्री श्री सच्चिदानंद सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम प्रियम श्री श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अपना लेफ्ट हैंड हृदय पर एडमजी हृदय में कटकोटी खुली करने दोस्तों अपना लेफ्ट हैंड हृदय पर रखो और राइट हैंड सर पे रखो मैं मंत्र बोल रहा हूँ गुरु मंत्राणी इस्तेमाल ना तो इन गुरु मंत्राणी स्वीकृष्टाल मेरे से गुरु मंत्र ले रहे हैं आप मेरे साथ गुरु मंत्र का उच्चारण करें ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः श्रीनाम ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः गुरुगायत्री ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् आप एक बार गुरु मंदिर को पांच बार अपने जीवन में अंदर बुलाए शरीर उठाते अलग चीज पेट पड़ी उसी तरह हाथ रखकर पांच बार मन में गुरु मंदिर को लो और आंखें मूंद लो कंड को నిమిత్తం చేసి కళ్ళలో సగం మూసుకుని గురుమంత్ర ధ్యానం చేస్తూ ఐదు సార్లు గురుమంత్రాన్ని అనుకున్న తర్వాత ఈ తిరిగి లేచండి ఆ తిరిగి ఉన్నారు శ్రీమన్నారాయణ सभी को पंचमुखी रुद्राक्ष देने के लिए सभी लोगों को कितने लोग हैं इनके लाल जो लोग कल से भी यहाँ कार्यरत हैं उन लोगों के लिए रुद्राक्ष लाल या ऐसा ही कोई पर्व दिन हो जब गुरु संतुष्ट होकर देना चाहते हैं तभी यह साधना दी जाती है दस मिनट में सभी लोग आ जाना रुद्राक्ष लेकर सामने बैठ जाए लोग सत्कराते हुए उदय महाराज के शरीर पर पानी डाले उस पानी को अपने आंखों को लगा लेते हैं यहाँ से और वशिष्ठ जब अपने आप को आत्महत्या करने
जो हमारे हमें सभी भाई अपील है, मैं मेरे पूर्ण प्रति का दर्शन करना चाहती हूँ और मैं फिर से उस तंत्र को देखना चाहती हूँ। उसका नाम चतुर्षवंती था। तो उसने जब ये प्रार्थना की तो उन्होंने अभूत परीक्षा दी गई और प्रवृति या उसके नाम से जिस पुत्र का जन्म हुआ वह जन्म तो पुत्री थी लेकिन वो पुत्र था तो पुत्री थी। उसके शरीर में के अवय अलग ढंग से नाम था जिसका नाम ईला था और वह अपने दिन में पुत्र रही थी। वो वशिष्ठ की पौत्र थी। वशिष्ठ की पौत्र के नाम पे जन्म पुरुष थी अपने को पुरुष करने के लायक थी लेकिन उस स्त्री का नाम रखते हुए उसका नाम ईला रख गया। लेकिन उसने कहा कि मैं जीवंगी तो पुरुष बनकर जीवंगी और उसने पुरुष से प्रार्थना की कि मैं पुरुष बनकर ही आना चाहती हूं। वशिष्ठ से अगर प्रार्थना की तो यह हमारे बस की बात नहीं है। जो अघोर विद्या का साधक है जिसने अघोर तंत्र को प्राप्त किया है उसका नाम ईला है और बाद में उन्होंने इस अघोर तंत्र की दीक्षा को संपूर्ण रूप से संभाला यज्ञ मंत्र किया और अघोर तंत्र से प्राप्त करते हुए वो पुरुष तत्व को प्राप्त की और पुरुष तत्व को प्राप्त करने के बाद उसकी शादी एक स्त्री से हुई और उस स्त्री के बाद भी उनसे जो पुत्र हुए उनका नाम था पराशर महर्षि जो संसार की तरफ से पुत्र कहलाए जाते हैं। और यह शापग्रस्त होना केवल जब पूछा गया कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई यज्ञ करते समय अश्वमेध जैसे महायज्ञ करते समय जो माता पिता यज्ञ को छोड़कर चले जाते हैं यज्ञ का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हुए चले जाते हैं उनके पुत्र इसी तरह पैदा होते हैं न वो पुरुषों के नस्ती और अपने जीवन में इस बात से पूछते रहते हैं कि उन्होंने यज्ञ को छोड़कर चला गया। जब वशिष्ठ को इस बात का पता चला और शक्ति को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा हमारे से गलती हुई है और उनके माता पिता की गलती से ऐसा पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसके तंत्र बाबा के मानव के लिए हमारे जीवन में कभी यज्ञ छोड़कर हम चले जाते हैं या यज्ञ को यज्ञ का प्रसाद बिना ग्रहण किए जाते हैं यज्ञ का प्रसाद धारण बिना कर दिए जाते हैं तो अघोर देव अर्पित होकर ऐसे पुत्रों को जन्म ले रहे जिनका न हो स्त्री तत्व होता है न पुरुष तत्व और वे दिन अपने जीवन भर में बाधा अनुभव करते हैं। इसी तरह स्त्री होने पर भी पति का सुख न मिलना या पति होने पर पुत्र होने पर पति होने पर भी स्त्री का सुख न मिलना केवल यज्ञ को छोड़कर जाने वालों के ही ये दुख प्राप्त होता है। तो ऐसे समय में इस अघोर तत्व का जो भी वास करता है इस अघोर दीक्षा को लेता है उसके जीवन में ऐसा कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता। जो सती माता को भी प्राप्त हुआ था बाद में पार्वती के माता बनकर उन्होंने फिर उसी शिव को प्राप्त की केवल अघोर दीक्षा लेने के बाद। मैं आपको भी कह रहा हूं इस अघोर दीक्षा लेने के बाद सातों जन्मों तक आप कितने भी विषय हो कितने भी खराब हो कितने भी पाप किया हो लेकिन आपका गुरु नहीं बदलता गुरु एक ही होता है गुरु नहीं बदलता। इस अघोर दीक्षित का दीक्षित साधक अपने गुरु को कभी बदलता नहीं और कभी खोता नहीं। एक बार ईला के प्रति हुई जब ईला को पूछा गया था कि तुम स्त्री न हो पुरुष हो तुम क्या जानते हो तो उसे अघोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रत्यक्ष हुए और कहा कि या मैं तुम्हारी तपस्या से प्रत्यक्ष हूँ तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक अघोर नाम के गुरु मेरे गुरु को जानती हूँ भगवान विष्णु मैं तुमसे कुछ नहीं जानती मैं जानती हूँ तो एक मेरे गुरु अघोर को जानती हूँ मैं तुमसे कुछ नहीं लेना चाहती आप जैसे आए वैसे लौट जाओ और नमस्कार किया। उसकी उस निष्ठा को देखकर या को भगवान विष्णु कहते हैं कि तेरी निष्ठा को देखकर तेरे गुरु के प्रति तेरी निष्ठा है मैं तेरे गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि मैं सक्षम नहीं हूँ तुझे देने के लिए केवल अघोर की शिवी देने के लिए तैयार है और वही तेरे आशीर्वाद दे सकते हैं। तब शिव जी भगवान ईला के पास आए और कहा कि तुझे आशीर्वाद देने की क्रिया केवल मैं कर सकता हूँ संसार में कोई और अघोर शिव ने जब उसको वर किया तो सारे दुखों से भाग गई सारे दुख चले गए। इसी प्रकार शक्ति पुत्र जो मर गया था उसको पराशर ऋषि ने अपने सामने पुत्रों को बुलाकर मरने वाले शक्ति के सौ पुत्रों को जीवित करने वाली यह अघोर विद्या वशिष्ठ को सुख देने वाली यह विद्या माता अरुंधति को सुख देने वाली यह विद्या जो अघोर दीक्षित है वो अपने गुरु को सातों जन्मों तक कभी छोड़ता नहीं उसका गुरु वही बने रहता है और चाहे पापियों को उसको खींच के रहकर अपने पास कर लेता है जिसे अघोर दीक्षा कहा गया है। आज वही दीक्षा किसी सामूहिक रूप से नहीं ली होगी वह दीक्षा का कार्यक्रम मैं आपसे करवा रहा हूँ। इससे पहले कि हम शिव जी का पारिश्रमिक तो बनता नहीं आपको मालूम है पारिश्रमिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। पारिश्रमिक का केवल दर्शन मात्र में से सातों जन्मों की बात जाते हैं तो प्रदोष काल में शिव जी का दर्शन करता है या उसके ऊपर जल चढ़ाता है या उसके ऊपर तिलक चढ़ाता है तो उसके सातों जन्मों की बात करते हैं विपुत्री पुत्र को प्राप्त करता है और पति का सुख नहीं है पति का सुख को प्राप्त करते हैं और बिना गुरु वाला अपने गुरु को प्राप्त करता है दुख शिष्य दुखी शिष्य अपनी साधनाओं को सुखियों को प्राप्त करता है ऐसा कहा गया। आज वे वृतमंत्र करते हुए सहस्रनामों का पाठ करते रहेंगे और आप सब लोग उस जल को अपने आंखों से धारण करते हुए अपने दो बालों पर रुद्राक्ष को दिए हुए वहां के जल को रुद्राक्ष को लगाते हुए अपने आंखों को लगाते हुए अपने स्थान पर